आज के सेशन में हम लोग दो वर्किंग देखने वाले हैं। पहला काम क्या हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ईस्टिंग और नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे इन ईस्टिंग नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ से ऑटोकैड में अपनी ड्राइंग बनानी है, पहला वर्क। दूसरा वर्क क्या देखेंगे, जब वो ड्राइंग तैयार हो जाएगी, रूटिंग तैयार हो जाएगा, तो हमें उसको सब स्टेशन में डिवाइड करना होगा। ठीक, वो हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। सब स्टेशन में डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना होगा, हमें जहाँ जहाँ पे सब स्टेशन हमने दिए उनके हमें कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ भी चाहिए, ताकि वो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ हम अपने सुपरवाइजर्स को या टीम कोऑर्डिनेटर्स को भेज सकें, वो उस कोऑर्डिनेट पे जाके आगे की वर्किंग करवा सकें। ठीक, ये पूरा प्रोसेस करने वाले हैं हम ऑटोकैड में। तो रूट डिज़ाइन वगैरह, रूट डिज़ाइन का एक सेकेंड मेथड हम करने वाले हैं, जिसमें क्या किया हुआ है, ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स कैसे आते हैं, जो आपका सर्वे टीम होती है वो आपके साइट विजिट करते हैं, वहाँ पे जाके टोटल स्टेशन से या अदर डिवाइसेस से आपके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमें निकाल के देते हैं। तो वहाँ से हमें ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब अगर हमें इसको ऑटोकैड में प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हमें प्लॉटिंग करने के लिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे हम, और इसको हमें क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ईस्टिंग यानी कि एक्स एक्सिस होता है, नॉर्थिंग यानी कि वाई एक्सिस होता है, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ आपका एक्स एक्सिस की तरफ जाता है ना। सो ईस्टिंग वैल्यू को हम एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और नॉर्थिंग वैल्यू को हम वाई एक्सिस। तो अब हमें ईस्टिंग और नॉर्थिंग को एक्स कमा वाई की टर्म में लिखना है, तो इसके लिए आपको एक्सेल में एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो फॉर्मूला का होता है, आपका साइन होता है इक्वल टू, हाँ जी, इसका साइन होता है आपका इक्वल टू, सॉरी नीचे आते हैं, ईस्टिंग यानी कि इक्वल टू, अब पहले हमें ईस्टिंग लिखना है, तो हमने यहाँ से ईस्टिंग पे जाके क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो डी फोर के नाम से आ रहा है वो। अब मैंने सिंबल दिया एंड का, फिर डबल कॉमा दिया, उसके बाद सिंगल कॉमा। अब सिंटेक्स को आप चेंज करेंगे, तो पहले डबल कॉमा, फिर एंड, और अब ये नॉर्थिंग वैल्यू, और लिखने के बाद एंटर कर दिया। तो आप देखोगे क्या लिख के आ गया, ईस्टिंग कॉमा नॉर्थिंग, ठीक है, कॉमा के टर्म में आ गया। हमें ये कॉमा के टर्म में नहीं लिखना था, हमें इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है, हमने इन वैल्यूज़ को नीचे नोट अप कर दिया आगे। ठीक, कॉमा के टर्म में हमारी वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद हम ऑटोकैड में चलते हैं। ऑटोकैड में जाने के बाद हम अपना न्यू फाइल से स्टार्ट करते हैं, ए कैड आई एस ओ टेम्परेटली। हमने यूनिट कमांड पे गए, एमएम हटा के हमने यहाँ से ये मीटर कर दिया, यहाँ से प्रिसीजन पॉइंट के बाद 3 यूनिट ले लिया हमने, ओके किया, देन डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट पे गए, इसको कॉमा हटा के पीरियड किया, यहाँ से भी प्रिसीजन वैल्यू को पॉइंट के बाद 3 यूनिट, क्योंकि हमारे एक्सेल में भी पॉइंट के बाद 3 यूनिट्स ही मेंटेन की हुई, इसलिए इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमने ओके किया, ओके करने के बाद सेट करंट, सेट करंट करने के बाद क्लोज। अब हमने क्या किया, सिंपल पॉली लाइन ली, पी एल एंटर, नीचे बॉटम में यहाँ कमांड बॉक्स पे गए, राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दिया हमने। जैसे आप पेस्ट करोगे, तो आप देख सकते हो इस तरीके की लाइन टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी कि पॉलीलाइन स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब आपने एंटर करके बाहर आ जाना है। आप पेस्ट करने के लिए आप हमेशा याद रखना, कमांड बॉक्स पर राइट क्लिक करके ही पेस्ट होगा। अब आपकी ड्राइंग बन गई है, लेकिन स्क्रीन पे शो नहीं हो रही। शो करने के लिए सिंपल सा आपके पास ऑप्शन होता है, जेड एंटर, ए एंटर, जूम ऑल। अब जैसे ही मैंने जूम ऑल किया, आप देखो कि ऊपर एक वाइट डॉट आ गया, ये आपकी ड्राइंग है। तो पहले माउस को इसके ऊपर रखना है, फिर स्क्रॉल व्हील को आगे दबाना है, घुमाना है, ताकि वो इसके रेस्पेक्ट में जूम इन कर सके। सो आप देख सकते हो हमारे पॉइंट से पूरा कर्व तैयार हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है हमें, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमें इनके ऊपर क्या करना है, अपने स्टेशंस डिज़ाइन करने। सो स्टेशंस को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने कमांड एक क्या लिया, पॉइंट कमांड लिया, पी ओ एंटर किया,
और इसके स्टार्टिंग पे एक पॉइंट कमांड दे दिया। लेकिन अगर आप देखोगे इसको तो पॉइंट आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? पॉइंट का स्टाइल जो है वो डॉट पे है। आपको क्या करना होगा, पी टाइप कमांड पे जाना है, पॉइंट स्टाइल, पॉइंट टाइप, यहाँ से पॉइंट टाइप को आप चेंज कर दो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉइंट साइज क्या लिखा हुआ है, 5% लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन। मैंने ओके किया, यही सेटअप हुआ था। सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं स्क्रीन को जूम आउट करूँगा, ये बड़ा हो जाएगा, आप आरी एंटर करोगे साइज बढ़ जाएगा, और छोटा किया बढ़ गया। अब अगर मैं जूम इन कर रहा हूँ, जूम इन करने के बाद आपको आरी एंटर करना है, और रीजनरेट से क्या करेगा वो पॉइंट को वापस छोटा कर देगा। तो जैसे आप लोगों ने, जैसे किसी किसी ने ड्राइंग बनाई थी तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं दिख रही थी, तो उनको आपको क्या करना होगा, जूम इन करके रीजनरेट कर देना है। हाँ, तो पॉइंट क्या होगा, छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। पॉइंट के छोटे या बड़े होने की वजह से आपको वैल्यूज प्रॉपर नहीं पता चल रही। अब मुझे यहाँ पे स्टेशंस रखने तो हैं, उससे पहले मैं इसकी लेंथ चेक कर लेता हूँ। मैंने एल आई एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, कितना आ रही है, 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर आ रहा है डिस्टेंस हमारा। इसको हमें सब स्टेशन में डिवाइड करना है, जैसे कि आपका सपोज गुड़गांव से नोएडा लगभग आपका 40-50 किलोमीटर है। ठीक है, हमारा रूट आ गया। अब इस रूट पे हमें क्या करना है, सब स्टेशन डिज़ाइन करना है। अब अगर इक्वल सेगमेंट चाहिए, जैसे लेंथ सबके बराबर चाहिए, तो डिवाइड कमांड देंगे। और अगर हमें क्या दे रखा है, एक सेगमेंट की लेंथ हमें पता है कि एक स्टेशन की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो 3 किलोमीटर होनी चाहिए, तो हम मेजर कमांड देंगे। ठीक है, 3 किलोमीटर देंगे तो बहुत आ जाएंगे इसमें, तो हम एक प्रोसेस लेना है, उसमें खाली 10 स्टेशन इसमें डिजाइन करेंगे। तो स्टेशन देने के लिए हमने पॉइंट तो बना दिया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने ब्लॉक में गया, सॉरी नहीं, ब्लॉक करने से पहले मैंने क्या किया, टेक्स्ट कमांड लिया, टी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया। ठीक, स्मॉल कर दिया वो आएगा, कितना भी बड़ा ये दिखाए, कितना भी बड़ा आप टेक्स्ट लिखोगे तो कई बार टेक्स्ट भी आपको बहुत बड़ा दिखता होगा, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से टेक्स्ट क्लोज करते होगे ना, वो अपने स्मॉलर साइज में आ जाता हो, आपको जूम करके दिखाता है क्योंकि। अच्छा, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट जो लिखना है, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख नहीं रहा। आपके पास दो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से फील्ड पे जाके क्लिक कर दो, या आप यहीं पे राइट क्लिक करके इंसर्ट फील्ड कर दो। ठीक है, क्या मेथड है, यहाँ पे जाके फील्ड पे क्लिक कर दिए, या टेक्स्ट बॉक्स के में राइट क्लिक करके इंसर्ट फील्ड कर दिए। अब मैं क्या देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट देना चाह रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट वैल्यू के लिए यहाँ पे आप देखो कि फील्ड कैटेगरी ऑल लिखा हुआ है। पहले नोट देख लो क्या करना है, फील्ड कैटेगरी पे जाके आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, कर लिया पहला काम। उसके बाद यहाँ नीचे जाके वापस से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। पॉइंट्स किसके, हमें कोऑर्डिनेट किसके चाहिए, पॉइंट पॉइंट हमने बनाया हुआ है सबस्टेशन। हाँ, तो सबस्टेशन के लिए हमने अलग पॉइंट बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके आपने उस पॉइंट को सेलेक्ट कर दिया, हो गया। अब पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद आपको पॉइंट का क्या चाहिए, पोजीशन कर दिया आपने। ठीक है, पॉइंट जाके आपने सेलेक्ट कर लिया, पॉइंट की क्या चाहिए आपको, पोजीशन पे गए, पोजीशन में आपको क्या वैल्यू चाहिए। अब जैसे हमें एक्स कोमा वाई ईस्टिंग और नॉर्थिंग अलग अलग मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इनको कर दिया ऑफ, एक बार एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया, आ गया।
अभी एक्स वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? ईस्टिंग को। मैंने ई लिखा, डॉट दिया, एंटर कर दिया, यहाँ पे ईस्टिंग आएगा। ईस्टिंग आ गया हमारा। मैंने इस पे टेक्स्ट पे डबल क्लिक किया, एंटर किया, एन लिखा। अब मैंने क्या लिखा, वापस से इंसर्ट फील्ड पे गए, ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, पोजीशन पे गए, अब के वाई दे दिया, ओके कर दिया। तो अब देखो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ गए या नहीं आ गए? कैसे चेक करा जाए एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ही है? आप लिस्ट से चेक कर सकते हो, या एक ऑप्शन होता है ऑटोकैड में आईडी कमांड, आईडी पे जाके मैंने इसको क्लिक कर दिया, नीचे देखिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। बताइए प्रॉपर आ रहे हैं पॉइंट्स आ गए? लेकिन काम क्या करना है, जितने भी स्टेशन है सब पे पॉइंट आ जाने चाहिए। हम हर एक पे जाके कॉपी कर करके रखेंगे नहीं, तो इसलिए पहले इसको ब्लॉक बना लेते हैं। बी एंटर किया, इसको नाम बताया, इसको नाम दे दिया स्टेशन, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, इन पॉइंट को भी सेलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को भी सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए और पिक पॉइंट ये आला दे दिया, ओके कर दिया, हो गया। अब सपोज मुझे इस पे 15 या 20 या 10 स्टेशन डिज़ाइन करने हैं, तो मैंने क्या किया, डी आई वी एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ब्लॉक पे गए, स्टेशन एंटर किया, अलाइनमेंट इसके लिए मैंने नो कर दिया, लेंथ ऑफ वन सेगमेंट, वो सॉरी नंबर ऑफ सेगमेंट, जितने सेगमेंट में आपको तोड़ना हो, 10, 12, 15, वो वैल्यू आपको लिखना है। तो सपोज हमने 10 में तोड़ दिया, 10 लिख के एंटर कर दिया, तो आप देखोगे सब जगह पे स्टेशन के एलिमेंट तैयार हो के आ गए, उनके साथ साथ उनके क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अभी क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट 0 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0 0, कोई बताएगा? अभी तो पॉइंट की वैल्यू आ रही थी, अब ये 0 आने लगा। किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया? ठीक है, हाँ जी, अभी ये 0 0 क्यों आया? पहले तो पॉइंट आ रहा था, कब से नहीं आया पॉइंट? ब्लॉक बना के नहीं आया, या डिवाइड कमांड लगाई तब नहीं आया? डिवाइड कमांड लगाने के बाद नहीं आया। अंडू कर लेते हैं, ब्लॉक बनाने के बाद पॉइंट क्या आ गया, 0 0। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस ब्लॉक के एडिटर के अंदर जाइए, हमने पॉइंट इसके को इसके पॉइंट के लिए दिया था, ब्लॉक एडिटर के अंदर ये कहाँ ओपन हो रहा है, देखो ओरिजिन पे आ रहा है, तो पॉइंट किसकी वैल्यू दिखाएगा, ओरिजिन। तो ये तो आईडी हमारा क्या हुआ, नहीं, हमने वापस डिवाइड कमांड दिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बी एंटर किया, स्टेशन नो, लेंथ ऑफ सेगमेंट हमने अब कैसे 15 कर दी, एंटर कर दिया। ठीक आ गया ये, इसको आखिरी वाले पे भी हम कॉपी करके रख देते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0,0 जा रहे हैं। अब उसको सही करते हैं, उससे पहले मैंने एक न्यू लेयर बनाई रूट, इसका कलर चेंज कर दिया, इसको क्लिक किया, रूट वाली लेयर। अब मैंने LAYOFF ले ऑफ किया, रूट वाली लेयर को ऑफ कर दिया। क्या आ रहे हैं सारे पॉइंट्स आने, और सब क्या है आपके ब्लॉक। पहले तो एक काम करते हैं, इनके ब्लॉक एडिटर के अंदर गए, स्केल कर दिया, साइज थोड़े से बड़े तो हो गए हमारे कम से कम, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, 0,0 आ रहा। अब हमने रूट को हाइड कर दिया, लेयर को ऑफ कर दिया, डिलीट नहीं किया है, ले ऑफ किया है, तो वो हाइड हो गया खाली। अब आप एक्सप्लोर पे जाइए और जो पॉइंट्स थे सबको सेलेक्ट कर दो। ब्लॉक की वजह से ही तो वो ओरिजिन पॉइंट दिखा रहा था, जब मैंने एक्सप्लोर कर दिया हर एक का पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया। बताइए आ गया ना। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमें एक्सेल चाहिए, इन पॉइंट्स का ये स्टेशन के पॉइंट हो गए ना, स्टेशन के ही तो पॉइंट है ये सारे, इन पॉइंट पे हमें क्या चाहिए अब एक्सेल की ये वैल्यू हमें किस में लिखनी है, एक्सेल में लिखनी है, टेबल में। कैसे लिखें आप, एक एक पॉइंट देखते जाएं, नोट करते जाएं, नहीं कैसे लिख दें, कॉपी करके यहाँ से, हाँ सेलेक्ट ब्लर भी कर सकते हैं। अब कंट्रोल सी, ऑटोकैड में तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आया कैसे करता है पॉइंट। कोऑर्डिनेट टेक्स्ट के नाम से मैंने एक लेयर बनाई, इसको कलर कर दिया रेड। अब इसमें मैंने क्या किया, जो भी टेक्स्ट लिखे हैं एक को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर, सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए, सबकी लेयर को कोऑर्डिनेट टेक्स्ट लेयर में कन्वर्ट कर दिया, हो गई कन्वर्ट। अब मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट के, मैंने अभी क्या किया LAYOFF ले ऑफ किया, रूट की लेयर ऑफ कर दी हमने, और ये टेक्स्ट की जो लेयर थी इसको भी ऑफ कर दिया, सिर्फ क्या शो हो रहे हैं हमारे पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है एक्सप्रेस टूल, मैं भी लिखवा दूंगा एक्सप्रेस टूल। यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है, सॉरी एक्सप्रेस टूल नहीं, यही इंसर्ट में एक्सट्रैक्ट डेटा दिख रहा है, एक्सट्रैक्ट डेटा पे गए, उसके लिए फाइल को सेव करना पड़ेगा हमें, डेटा एक्सट्रैक्शन को हमने फाइल सेव कर दी, ठीक। एक्सट्रैक्ट डेटा करने के बाद अब क्रिएट अ न्यू डेटा एक्सट्रैक्शन या एग्जिस्टिंग को चेंज करना, वो आपकी चॉइस है। हमने कहा क्रिएट अ न्यू पे कर दिया, नेक्स्ट किया, लोकेशन बताई कहाँ पे, डेटा एक्सट्रैक्शन फाइल को आप चाह रहे हो उसको नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे दिया हमने, ठीक। अब देने के बाद यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है ड्राइंग शीट से, इंक्लूड करंट ड्राइंग, और उसके नीचे क्या लिख के आ रहा है, हमने इस पर क्लिक किया और जाके यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। यहाँ से आपके जो पॉइंट्स हैं
आप उन सारे पॉइंट्स को कर दोगे सेलेक्ट। सेलेक्ट हो गए, एंटर किया। एंटर करने के बाद नेक्स्ट किया हमने। क्या चीज है? नेक्स्ट किया हमने। अब यहाँ पे कैटेगरी फिल्टर लगा हुआ है, 3D विजुअलाइजेशन नहीं चाहिए हमें, ड्राइंग के रेस्पेक्ट में एलिमेंट नहीं चाहिए हमें, जनरल एलिमेंट नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें खाली सिर्फ? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी वो क्या दिखा रहा है? एक्स वाई और जेड तीनों दिखा रहा है। जेड तो चाहिए नहीं, ऑफ कर दिया। कर दिया, नेक्स्ट किया। पॉइंट्स की डेटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आप नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद पूछा है ये एक्सेल फाइल आपको इसी के अंदर चाहिए या बाहर सेव करना चाहते हैं? बाहर तो हमें करनी है। आप आउटपुट डेटा टू एक्सटर्नल फाइल पे क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों जगह है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इंसर्ट एक्सट्रैक्ट डेटा इनटू टेबल किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। और उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, साइज छोटा आ रहा है, स्केल कर दिया। ठीक है, पॉइंट्स आ गए सारे। अब यहाँ काउंट में आपके 1-1 आ रहा है, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है। अभी आप देखोगे लॉक, सेल लॉकिंग है, अनलॉक कर दिया, इसके बाद आप चेंज कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, या फिर मैं इस फाइल को चाहता हूँ कि एक्सेल में ओपन कर सकूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल आपकी आ गई, आपको इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास एक्सपोर्ट, एक्सप्लोर नहीं, एक्सपोर्ट, ऑप्शन कमांड से राइट क्लिक करके आएगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपने लोकेशन बतानी है, आपको फाइल दे दे रहा है, और यहाँ से फाइल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। CSV फाइल होती है वो एक्सेल फाइल होती है, एक्सेल में ओपन हो जाती है। आप सेव पे क्लिक कर दिए, मिनिमाइज कर दिए। फाइल आ गई। अब आपको यहाँ पे ईस्टिंग करना है, नॉर्थिंग करना है, इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है, काउंट में काउंट हटा के 1, 2, 3, 4 नंबर देना, चेंज किया जा सकता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना ऑटो कैड पे पूरा लेआउट तैयार करना है पहले रूट का। उस रूट पे आपको क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं स्टेशन के हिसाब से, और उनके पॉइंट्स यहाँ पे भी दिखाना चाहिए। उन्हीं पॉइंट्स को हमें एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल फाइल में भी कन्वर्ट करना है। एक्सेल फाइल में भी हमने कन्वर्ट कर लिया, सारा प्रोसेस देखा। अब उस एक्सेल फाइल को हम क्या कर सकते हैं, किसी तीसरे पर्सन को शेयर कर सकते हैं वर्क करने के लिए। बताइए, समझ में आया इतना काम? सो ये थे हमारे रूटिंग करने के 2 तरीके, यानी कि अगर हमें रूट मैप तैयार करना हो गूगल मैप्स से, या किसी भी रूट का, रेलवे ट्रैक्स का, मेट्रो ट्रैक्स का, या रोडवेज का, हाईवे का, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। 2-3 तरीके देखे उसमें। पहला हमने देखा था इमेज को इंपोर्ट करके कैसे करना है, और दूसरा आज देखा कि एक्चुअल में टोटल स्टेशन से अगर किसी ने डेटा लिया हुआ हो तो उस डेटा को कैसे प्लॉट करना है, उनके पॉइंट्स कैसे जनरेट करने हैं, कैसे पॉइंट ऑटो कैड में दिखाना है, और फिर उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। आए समझ में? ठीक, इतना काम करके लेके आना है, रूटिंग का हमारा कंप्लीट। ठीक है, कल से हम सर्वेलेंस का वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक, कल काम आ जाए लेकिन। ठीक है।
इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? हो जाएगा जल्दी, 25 मिनट में पूरा हो गया है ना? ठीक है,